हाय दोस्तों, आज मैं आपको घर पे ये लगने वाली रेलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। इसे कई लोग रेलिंग कहते हैं, कई लोग ग्रिल कहते हैं, तो ये इसके बारे में बताने वाला। इस घर पे हमने टोटल 37 रेलिंग लगाई है। 30 रेलिंग ऊपर छत पर या बालकनी वाली समझ लिया, छत पर 30 रेलिंग लगाई है और 7 रेलिंग मैंने यहाँ पर बाउंड्री में लगवाई है। तो आप टोटल देखिएगा, तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छी खासी रेलिंग पूरी दी हुई है। और ये देखिए 7 रेलिंग जो मैं आपको बता रहा था, देखिए यहाँ पर लगी हुई है। इस रेलिंग में हमने सर टोटल दो पाइप, दो तरह के कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, 2x1 का और 1x1 का। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये 2x1 की है और ये 1x1 की है। इसमें टोटल अगर आपको बताएं 10 फुट के लेंथ अगर होगी तो ये 9 किलो इसका पर रनिंग फिट पे वेट आता है। रनिंग फिट पे 9 किलो, तो समझ लीजिए जैसे कि आपको अगर कैलकुलेशन भी करना होगा कि आपको आपके घर पर कितनी रेल लग जाएगी, तो इस तरह का अगर आपका 10 फुट है तो समझ लीजिएगा आपका 90 किलो आपका मटेरियल लग जाएगा। देखिए ये राउंड वाली भी रेलिंग थी, यहाँ पर हमने इसको राउंड भी बनाया था, बाकी पूरी सीधी है। ऊपर टोटल 30 रेलिंग लगी है और नीचे बाउंड्री में 7 रेलिंग लगी है। देख लीजिए टोटल बाउंड्री पर टोटल रेलिंग है, कहीं से भी दीवार नहीं लगाई है, चारों तरफ से रेलिंग लगी हुई है। तो इसमें हमने दो जो पाइप यूज़ की है, 2x1 की और 1x1 की। देखिए इसका मैं राउंडिंग अभी दिखा रहा हूँ आपको, इसे मैंने कैसे मोड़ा भी था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिएगा वीडियो में, मैंने इसका पूरा दिखाया हुआ वीडियो भी कैसे बेंड किया हुआ है। इसमें हमने ना तो रोलिंग मशीन का यूज़ किया हुआ है, ना ही कटिंग करके यूज़ किया। जैसे दो तरह से बेंड करा जाता है ना, एक होता है कि कट करके बेंड करते हैं और एक होता है कि रोल करके किसी में बेंडिंग मशीन से यूज़ करके। इसे मैंने हैमर से बेंड किया हुआ है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ कि ये हैमर में कैसे होता है। देखिए ये इस तरह हम लोग दो निहाई को बीच में रख के इस तरह हैमरिंग करके इसे बेंड करते हैं, इससे बेंडिंग भी बहुत अच्छी खासी होती है। और इसमें जो मैंने पाइप यूज़ की है 2x1 की, ये 20 फुट के लेंथ पर 15 किलो वेट है और 1x1 का 20 फुट की लेंथ पर 12 किलो का वेट है। इस तरह का, तो इस तरह का कोई भी रेलिंग की आपको ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कुछ और भी वीडियो चाहिए होगा, फोटोग्राफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। स्क्रीन के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है और एंड में मैंने अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया हुआ है। मेरा काम उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में है, ये पूरा वर्कशॉप मेरी आजमगढ़ में है और मैं काम आजमगढ़ के कई क्षेत्रों में भी जाके करता हूँ, आसपास के कई जिलों में भी काम करता हूँ। इस तरह का कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा या कॉल कीजिएगा। मेरे पास CNC लेजर, CNC राउटर दोनों मशीन है, तो इसलिए कोई भी, ये तो मैं नॉर्मल फैंसी डिज़ाइन भी करता हूँ, अगर आपको लेज़र कटिंग में भी कुछ ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।